welcome to another episode of PUBG Mobile's game development. I am your host, Anaya. A quick recap of the points we have learned in the previous module. What is game development? What parts is game development divided into? What is a game designer? What are the roles of a game designer in the production cycle? What are the core responsibilities of a game designer? अगर आपको इन सब पॉइंट्स पे कोई भी डाउट है तो मॉड्यूल 1 से फिर से देखें। बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज मॉड्यूल मैं आपको की पॉइंट्स बताती चलूं जो आप इस मॉड्यूल में सीखेंगे। गेम डिजाइन एलिमेंट्स एंड इट्स यूसेजेस, टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन इन गेम डिजाइन। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक्स। गेम डिजाइन एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे वर्चुअल वर्ल्ड में जान आती है। इनमें आते हैं गेम प्ले मैकेनिक्स, एस्थेटिक्स और प्लेयर इंटरैक्शन। विजुअल्स और एंगेजिंग साउंडस्केप से लेके इंट्यूटिव कंट्रोल्स और एंगेजिंग नैरेटिव टास्क तक हर एलिमेंट का अपना रोल है, विच शेप्स अप द प्लेयर एक्सपीरियंस। पिछले मॉड्यूल में इसके बारे में थोड़ा सा जाना था, अब इस पे मजीद बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी गेम में जो बेसिक चीज है वो है टू हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। जैसे प्लेयर को पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड मेमोरेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सरप्राइज, ये जरूरी एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इससे यूजर की अटेंशन और इंटरेस्ट बने रहते हैं। गेम में अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है और प्रेडिक्टेबल है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर मंजिल पहुंचाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों तो यूजर का एक्सपीरियंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जीत का एक ही रास्ता हो तो मजा किरकिरा हो जाता है क्योंकि सरप्राइज खत्म हो जाता है। नैरेटिव्स, नैरेटिव या कहानी सीरीज ऑफ रिलेटेड इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस से जुड़े हैं। दे कुड बी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। एक अच्छा प्लॉट अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है ताकि यूजर एस्केपिज्म से गेमिंग एक्सपीरियंस में मगन रहे। लोग एक ही गेम बार बार इसलिए खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनको आने वाले पल का इंतजार रहता है और वो स्टोरी को इतना एंजॉय करते हैं कि दे वॉन्ट टू रिपीट इट फॉर एवर। चैलेंजेस, एक मोमेंटम बना रहना चाहिए वरना गेमर्स इंटरेस्ट खो देते हैं। दिस अप्लाइज टू बोथ द स्टोरी लाइन एंड द डिफिकल्टी ऑफ द गेम। इससे सिर्फ थ्रिल ही नहीं बढ़ता बल्कि गेमर का अंदाजा रहता है कि उन्होंने गेम में कितनी प्रोग्रेस कर ली है। जितने ज्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे उतना ही अकॉम्प्लिश भी फील करेंगे। इफ एवरीथिंग कम्स इजीली इट डजंट फील सो मीनिंगफुल। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स और हर्डल्स के बगैर द परस्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ गेम बट रादर फ्री फॉर्म प्ले। कंस्ट्रेंट्स से प्लेयर को बाउंड्रीज और रूल्स का आइडिया रहता है। इससे गेम में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्लेयर विद अ यूनिक चैलेंज एंड एक्सपीरियंस। कंस्ट्रेंट्स आर टू मेक द गेम डिफिकल्ट बट नॉट रुइन इट्स फन, सो रिवॉर्ड द प्लेयर अकॉर्डिंगली। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स इन द गेम इज द इन्वेंट्री स्पेस कंस्ट्रेंट्स, मेकिंग द यूजर मैनेज देयर इन्वेंट्री, मेकिंग स्ट्रेटजी डिसीजंस टू व्हाट कीप एंड व्हाट नॉट टू कीप। Another example is the countdown timer. This adds pressure and urgency to the gameplay. Fun. This element of the game becomes the primary motivator for the players to engage with the game. Game experience ke dauran, fun is the reception that the player feels in form of pleasure or joy. To make a game fun, game designers must focus on creating a compelling player experience. चैलेंजेस ना बहुत मुश्किल होने चाहिए ना बहुत आसान, और उनके मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स होते हैं जिससे गेम प्ले में अटेंशन कायम रहती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर फन वुड बी मारियो कार्ट। इस गेम में पिकअप से दीगर प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन बना रहता है। इनर्शिया कैन ऐड चैलेंजेस टू जंपिंग एंड लैंडिंग एज द कैरेक्टर मे कंटिन्यू टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इवन आफ्टर द प्लेयर हैज स्टॉप प्रेसिंग द मूवमेंट बटन। गेम्स लाइक लेजेंड्स ऑफ ज़ेल्डा का फिजिक्स पे रिलायंस बहुत है क्योंकि ऐसी मिनी गेम्स में फिजिक्स अप्लाई होती है। इंटरक्टिविटी, इंटरक्टिविटी कुड बी डिस्क्राइब एज द प्लेयर्स इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से प्लेयर की गेम में रिटेंशन कायम रहती है। इट्स अ क्रूशियल गेम डिजाइन एलिमेंट दैट describes how players can engage with the game world and affects its outcome. Player ka game mein involvement kitna hai wo interactivity se hi fix ho sakta hai. Ek achhi interactive game player se choices aur decisions leti hai jisse player game mein zyada magan ho jate hain. GTA 5 mein everything is influenced by the player, from the environment to the pedestrians. Strategy. It is a general plan to achieve one or more long-term or overall goals under the conditions of uncertainty. Interactivity, inertia or surprise se game use ke liye worth playing banti hai. पर अगर आप प्लेयर को गेम में ज्यादा देर बिठाना चाहते हैं, वो प्लेयर को सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिवॉर्ड करना होगा।
प्लेयर हर बार अपनी गेम को बेहतर बनाने में महव हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इस गेम में ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और हम रिसोर्स ढूंढ कर ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट करते हैं। आप एनिमी की फौज या फिर अपनी फौज के जरिए एनिमी से जीत सकते हैं। रूल्स, रूल से कोई भी चैलेंज वर्थ कॉन्करिंग बन जाता है। रूल से गेम वर्ल्ड में इंटरक्शन बढ़ता है। इन रूल से ही गेम प्ले में प्लेयर के डूज एंड डोंट्स का पता चलता है और प्लेयर उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चाहे स्ट्रैटेजी गेम में मूवमेंट के रूल्स हो या किसी एक्शन एडवेंचर गेम में कॉम्बैट के मैकेनिक्स, बेसिकली प्लेयर रूल से ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।